शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालेंगे कम्युनिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सोयाबीन से जुड़ी बड़ी खबर पे। तो सोयाबीन की कीमतों में चल रहा उतार चढ़ाव का दौर अब थम गया है, कीमतें स्थिर हो गई हैं। उत्पादन में गिरावट के बावजूद सीजन के अंत में बाजारों में सिर्फ सोयाबीन की फसल की ही चर्चा होती नजर आ रही है। पिछले सप्ताह के अंतिम दिन में गिरावट और उसके बाद सप्ताह के पहले दिन कीमतों में सुधार देखा गया था। इसके बाद सोयाबीन की बिक्री को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। लातूर कृषि उपज मंडी समिति लगातार दो दिन बंद रही, उसके बाद सोयाबीन की कीमतें 7,350 रुपए से 7,400 पर स्थिर हो गई। लेकिन किसानों के मन में सोयाबीन की बिक्री को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। शनिवार को बाजार में सोयाबीन की आवक बड़े पैमाने पर पहुंची है। वहीं कृषि विशेषज्ञ किसानों को इस समय सलाह दे रहे हैं कि आगे सोयाबीन की कीमतें में बढ़ोतरी होगी, इसलिए किसान अच्छे से विचार कर सोयाबीन की बिक्री करें। दरअसल मंडी के दो दिन बंद रहने के बाद मंडी खुलने से सोयाबीन की आवकों पर प्रेशर बना हुआ है, जिससे कीमतें थोड़ी स्थिर हुई है। वही सोयाबीन की कीमतों के लिहाज से पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो पूरे सीजन में अभी तक नहीं हुआ था। सोयाबीन की मांग और युद्ध के चलते कीमत रिकॉर्ड पर बढ़ गई है। इससे रुक रुक कर स्थिरता का जो माहौल है वो बना हुआ है। इस साल किसानों ने तुअर सोयाबीन की बिक्री नहीं की। किसानों का बिना उचित रेट मिले सोयाबीन नहीं बेचने का फैसला सीजन के अंतिम चरण में फायदेमंद साबित हो रहा है। सीजन की शुरुआत में सोयाबीन का भाव 4,800 रुपए था, लेकिन आज यह बढ़कर 7,400 रुपए पर आ गया है। अगर युद्ध की स्थिति में सुधार होता है और गर्मियों में सोयाबीन बाजार में आती है तो कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सोयाबीन में तेजी बनी ही रह सकती है। किसानों ने ऐसे में अपनी सोयाबीन रोक कर और दाम बढ़ाने पर ही बेचने का विचार बना रखा है। तो ये थी खबर सोयाबीन से जो हमने आपको बताई। अब आगे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी गेहूं से है। तो बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय किसानों को कुछ फायदा हो सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि निर्यात के मकसद से व्यापारी अधिक मात्रा में किसानों से गेहूं की ऊंची कीमतों पर खरीद करेंगे, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही सरकार को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। इसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर तेल की कीमतों तक पड़ता साफ नजर आ रहा है। युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका फायदा किसान के साथ भारतीय व्यापारी भी लेने की कोशिश में लगे हैं। वे किसानों से गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को MSP पर गेहूं की कम खरीद करनी पड़ेगी, जिससे सब्सिडी का बोझ कम होगा। इस तरह गेहूं के मामले में किसानों के साथ व्यापारी और सरकार को भी लाभ मिल सकता है। वहीं केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार को कहा कि वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का गेहूं निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने साथ में कहा कि गेहूं आपूर्ति में रूस और यूक्रेन का हिस्सा 1/4 है। दोनों देशों में अगस्त सितंबर तक पैदावार मिलती है। मौजूदा संकट की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिस वजह से गेहूं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी के अंत तक 66 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है। इससे पहले भारत ने 2013 से 14 में 65 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस वित्त वर्ष का एक महीना अभी भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भारत से गेहूं का निर्यात 70 लाख टन के स्तर पर जा सकता है। रुक करते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर।
जो पाम ऑयल से है, रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के खाद्य तेलों के दाम में आग लगा रखी है। देश में सबसे सस्ता बिकने वाला पाम तेल पहली बार चार बड़े खाद्य तेलों में सबसे महंगा खाद्य तेल हो गया है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी तेल की सप्लाई थम गई है, जिसके चलते खरीदार सूरजमुखी के तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल और सोया तेल की तरफ रुख कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद इसके थोक दाम में $400 प्रति टन की वृद्धि हो चुकी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि इस समय पाम ऑयल और सोया तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही ठक्कर के मुताबिक पूर्वी यूरोप का इलाका सूरजमुखी तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त युद्ध के चलते अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना हुआ है, जिससे भारत में सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई घट गई है, जिसका फायदा पाम ऑयल को मिल रहा है। ठक्कर ने यह भी कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध का मलेशिया और इंडोनेशिया के तेल कंपनियों ने जो फायदा उठाते हुए खाद्य तेलों के दाम महंगे कर दिए हैं। पाम ऑयल की कीमतों में ये बढ़ोतरी पहले से ही महंगाई से जूझ रही है। एशिया और अफ्रीकन देशों में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर ये डाल सकती है, जिसके चलते वे खपत घटाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। भारत के पास विदेशी खाद्य तेलों की उपलब्धता एक महीने तक के लिए ही है। ऐसे में केंद्र सरकार को तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया के मंत्रालय से बात कर आयात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में कमी आने की संभावना बन सकती है। खाद्य तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत दूसरे देशों पर भी निर्भर है। साथ ही बता दें, संगठन के महामंत्री तरुण जैन ने कहा कि यूक्रेन संकट के चलते भारत में पाम ऑयल के भाव सोया ऑयल की तुलना में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। ब्लैक सी का इलाका दुनिया भर के सनफ्लावर ऑयल उत्पादन में 60% और इसके एक्सपोर्ट में 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता है, तब तक यूक्रेन के पोर्ट बंद रहेंगे। ये देखते हुए एशिया और यूक्रेन रिफाइनरियों ने सूरजमुखी तेल की जगह भरने के लिए आने वाले कुछ समय के शिपमेंट के लिए पाम ऑयल की खरीदारी बढ़ा दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर पे। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच आयातित तेलों के भाव में रिकॉर्ड तेजी आने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार दर्शाता हुए ही बंद हुआ। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। भारत अपने खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 60% भाग का आयात करता है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के अलावा खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से इन तेलों के दाम मजबूत हुए हैं। विदेशी तेलों के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। कच्चा पाम तेल और पामोलियन तेल के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जा रहे हैं और देसी तेलों में जिस सरसों का दाम बाकी तेलों से लगभग 30 से 40 रुपए किलो अधिक रहा करता था, अब उन आयातित तेलों के मुकाबले सरसों का दाम लगभग 5 से 7 रुपए किलो नीचे आ गया है। सीपी और पामोलियन तेल जैसे आयातित तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं और दिलचस्प ये है कि इसके लीवाल भी कम है। ऐसी स्थिति में कौन इन तेलों का आयात करने का जोखिम मोल लेगा जब घरेलू तेल आयातित तेलों से सस्ते हो। उत्तर भारत में सरसों की अधिक खपत होती है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। सरसों तो उत्तर भारत की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। ये युद्ध बढ़ने के बीच सूरजमुखी और सोयाबीन, डिगम जैसे बाकी खाद्य तेलों का आयात प्रभावित हो सकता है। तो ये थी सरसों तेल की में आई गिरावट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो कच्चे तेल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के कारण रुपए पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। रुपए डॉलर के मुकाबले 81 पैसे की भारी गिरावट के साथ 76.98 के स्तर पर खुला, जो कि रिकॉर्ड लो है। दरअसल रूस और यूक्रेन विवाद में नया ट्विस्ट आ गया है। इससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 0.20% की तेजी के साथ 98.85 के स्तर पर था। कारोबार के दौरान इसने 99.22 के स्तर को भी छुआ है। ये इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की
मजबूती को बताता है। वहीं फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि रूस के ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन की तैयारी की जा रही है। अमेरिका, यूरोप और अन्य सहयोगी देश रूस से निर्यात होने वाले कच्चे तेल पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और ये रोजाना 5 से 6 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है। इसका आधा हिस्सा केवल यूरोप को जाता है। अगर तेल निर्यात पर बैन लगता है तो यूरोप और अमेरिका में महंगाई को बल मिलेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पे साफ दिखाई देगा। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। ये थी कमोडिटी बाजार से जुड़ी अहम खबरें जो हमने आपको दिखाई। और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।